सेकेंड क्वेश्चन, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब हम किसी एक नंबर को दो बार उपयोग करके चार नंबर का डिजिट बनाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। तो सवाल एक क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें थ्री डिजिट दिया हुआ है, 387, और हमें डिजिट नंबर बनाना है फोर डिजिट का। तो एक नंबर को रिपीट करना पड़ेगा और इसमें रिपीटेशन अलाउड भी है, जैसे कि इसमें कहा है वन डिजिट ट्वाइस अलाउड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 387, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें पता है कि हाई वैल्यू वाला नंबर पहले लिखेंगे, जैसे 8, उसके बाद इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर एक से एक बार 8 लिख देंगे, फिर 7 और 3। इसका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? तो इसका स्मॉलेस्ट में भी वही करेंगे कि एक डिजिट को हमें रिपीट करना है, जैसे 3 आया, तो 3 से छोटा और कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से 3 ही लिखेंगे और उसके बाद 7 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 3 7 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया है यूज एनी वन डिजिट ट्वाइस, किसी एक को ही दो बार यूज कर सकते हैं, 3 बार नहीं। और ना ही इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर दो बार आ गया, 3 भी और 7 भी, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट स्मॉल ये है और करेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर ये है। बी नंबर क्वेश्चन, 9 0 और 5, ग्रेटेस्ट नंबर इसका कैसे बनाएंगे? तो पहले भी बता दिया गया कि 0 को हम पहले नहीं लिखते हैं, ना ही स्मॉलेस्ट में ना ही ग्रेटेस्ट में। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 आ रहा है, तो उसको 9 लिख देते, उसके बाद फिर 9 ही लिखेंगे, क्योंकि इससे बड़ा नंबर नहीं, यहाँ इन तीनों में नहीं है कोई। उसके बाद फिर 5 लिखेंगे और इसके बाद 0 लिखेंगे, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर अब बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों नंबर से कैसे बनाना है? जो 0 से बड़ा है पहले उसे लिखेंगे 5, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे और फिर 0 और उसके बाद 9। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि अगर हम 5 और फिर यहाँ पे 5 लिखते हैं उसके बाद 0 9 देते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5009 है और यहाँ पे 5509 है, तो ये इनसे बड़ा हो जाता है, तो ये नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है स्मॉलेस्ट के लिए। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये लिखेंगे, 5009। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन 049। तो इसमें भी वही करेंगे कि ग्रेटेस्ट को हम कैसे लिखेंगे, पहले 9 फिर 9 उसके बाद 4 और 0, और स्मॉलेस्ट का हम कैसे करेंगे, तो 4 0 0 और 9। सेकंड का क्वेश्चन डी बनाते हैं, 851। तो इससे ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा? इससे ग्रेटेस्ट 8851, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा? तो 1158, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम डिसेंडिंग में जाते हैं, और अगर हम छोटा नंबर बनाना होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो ये देखिए 9 है, फिर 9 है, फिर 4 है, उसके बाद 0, तो ये डिसेंडिंग में चला गया। और स्मॉलेस्ट में देखते हैं तो असेंडिंग में जाता है, लेकिन 0 के केस में ऐसा नहीं होता है, ये बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, 0 के केस में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। हमें चार डिजिट का बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिजिट बनाना है। क्वेश्चन ए, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। तो ये 7 है, ये हमेशा ये वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। नोट, द नंबर कैन नॉट बिगिन विथ डिजिट 0।
हम पहले जान चुके हैं कि कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। बी नंबर क्वेश्चन, डिजिट फोर इज ऑलवेज एट टेंथ प्लेस। एक ऐसा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है जिसमें फोर जो है यहाँ पर टेंथ प्लेस पे ही रहेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है जीरो से नाइन तक, जीरो से नाइन तक में? तो सबसे बड़ा नंबर नाइन है, नाइन लिख दिए। उसके बाद एट है और उसके बाद सेवन हो जाता है। तो देखिए ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट में कौन सा होगा सबसे पहले? तो वन, उसके बाद टू और उसके बाद थ्री। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। सी नंबर क्वेश्चन, डिजिट नाइन इज ऑलवेज एट हंड्रेड प्लेस। डिजिट नाइन हमेशा हंड्रेड प्लेस पे रहेगा। उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो नाइन तो पहले आ चुका है। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे हुए हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, क्योंकि नाइन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें से इस ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो एट है। तो यहाँ पे एट लिख देते हैं। नाइन आ चुका है, अब कौन सा नंबर है? तो सेवन है, उसके बाद सेवन लिख देते हैं और उसके बाद सिक्स है, तो सिक्स लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर में हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करने के बाद वो डिजिट काउंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो, नाइन, वन, टू, तो ये फोर डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये थ्री डिजिट का नंबर हो जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो इस नौ डिजिट में स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला कौन सा नंबर है? तो वन है। तो पहले हम वन लिख देते हैं। वन के बाद कौन सा है? टू है, उसके बाद थ्री है। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। डी नंबर क्वेश्चन है, डिजिट वन इज़ ऑलवेज एट थाउजेंड्स प्लेस। डिजिट वन हमेशा थाउजेंड प्लेस पे रहेगा। ये इस क्वेश्चन का कंडीशन है। तो कंडीशन के अनुसार ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो फिर से हम वही करेंगे। जीरो, वन पहले आ चुका है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इन डिजिट में कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है? तो नाइन है। तो हम यहाँ पे नाइन लिख देते हैं। उसके बाद एट है, उसके बाद फिर सेवन है। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर में वन तो आ ही चुका है। उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है? जीरो है। उसके बाद कौन सा है? टू है, उसके बाद थ्री है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर फोर, टेक टू डिजिट्स से टू एंड थ्री, मेक फोर डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। हमें दो डिजिट लेना है कोई भी, जैसे टू और थ्री, और हमें चार डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और हमें दोनों को बराबर में यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम टू और थ्री लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? थ्री, थ्री, टू, टू, ये ग्रेटेस्ट हो जाता है। अगर हम नाइन और एट लेते हैं तो नाइन, नाइन और एट, एट, ये हमारा 9988, ये ग्रेटेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कहा गया यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम, दोनों डिजिट को हमें इक्वल में यूज करना है। ये भी दो बार आ चुका है, ये भी दो बार आ चुका है। अब हम इसी में स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाता है? टू, टू, थ्री, थ्री। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आता है। अगर टू और थ्री लेते हैं, अगर हम नाइन और एट लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? तो एट, एट और नाइन, नाइन, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आता है। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल? तो हम इसमें कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हैं? हम बहुत डिफरेंट नंबर बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ग्रेटेस्ट नहीं होता और हमें कहता है कि आप नंबर बनाओ, तो हम बहुत सारे बना सकते थे, जैसे टू, थ्री, टू, थ्री, ये भी फोर डिजिट नंबर है। फिर टू, थ्री, थ्री, टू, ये भी फोर डिजिट नंबर है। फिर थ्री, टू, टू, थ्री, ये भी फोर डिजिट नंबर है। थ्री, थ्री, टू, टू, ये हम बना चुके हैं और ये ग्रेटेस्ट नंबर है अगर हम टू और थ्री को लेते हैं। आज का हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है।